तो अब देख ले, इंट्रोडक्शन में पहले लिखा है एनर्जी इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म्ड या ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी। वेरियस प्रोसेस कैरिड आउट बाय द बॉडी सच एज मूवमेंट, ग्रोथ, लोकोमोशन, दे नीड एनर्जी। एनिमल ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। यानी अब एनिमल ये एनर्जी किस चीज़ से हासिल करते हैं? फूड से। द फूड आर ब्रोकन डाउन बाय ए फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी ये फूड से एनर्जी हासिल करते हैं और फूड को हम तोड़ते हैं एक प्रोसेस के जरिए, उस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है इसको जरूरत होती है नीड ऑक्सीजन, यानी इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है एंड टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जरूरत होती है। तो जो लेसर या लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल है, तो लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल ये आपके बुक के वर्ड्स है, ठीक है। लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल से दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर आर वाटरी मीडिया इन विच दे आर लिविंग। यानी जिस मीडिया में वो रहते हैं, यानी जो अगर एक्वेटिक है तो वो वाटर से लेते हैं, या जो एरियल है तो वो हवा से क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो किस तरह लेते हैं? बाय, जो हमने पढ़ लिया, बाय डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन। डायरेक्ट एरो, अब क्लियर हो गया। यानी चूंकि इसके बॉडी लेस कॉम्प्लेक्स है, हर एक सेल एक्सपोज है टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट के, तो ये क्या करता है? डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करता है। बट इन हाइयर या हाइयर एनिमल या कॉम्प्लेक्स एनिमल, हम इसको कहते हैं हाइयर आर कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो हाइयर और कॉम्प्लेक्स एनिमल में क्या है? दे टेक ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ए स्पेशल सिस्टम विच इज का रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे रिक्वायर रेस्पिरेटरी सर्फेस आर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्लियर हो गया, कोई मसला है इसमें? इसके बाद जो है वो हम आते हैं, चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम रिक्वायरमेंट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पहला चीज है वो है रेस्पिरेटरी सरफेस। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस? तो प्रैक्टिकल में मैं जब जाता हूं तो लोगों से पूछता हूं कि रेस्पिरेटरी सरफेस कौन कौन से है। स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस बेसिकली क्या है। यानी उसको डिफिनीशन मालूम है। डिफिनीशन इसका क्या है? सिंपल डिफिनीशन क्या है? एरिया, यानी द एरिया और सरफेस वेयर द गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली टेक प्लेस। द गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली, ये आपके बुक के सेंटेंस है, एक्चुअली टेक प्लेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो ये डिफिनीशन है रेस्पिरेटरी सरफेस की। लेकिन जब मैं स्टूडेंट से पूछता कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस, कभी सुना है कि नहीं? कितने रेस्पिरेटरी सरफेस है? तो बेसिकली देयर आर थ्री रेस्पिरेटरी सरफेस, डिपेंड करता है। एक जो है इसको हम क्या कहते हैं? लंग्स। दूसरा जो है वो है गिल्स, यानी जहां पे एक्सचेंज होता है। और थर्ड जो है बाज ऑर्गेनिज्म में स्किन्स। ये तीन जो है दिस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब क्लियर हो गया। अब रेस्पिरेटरी सरफेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आकर बाय ए फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफ्यूजन। यानी इसके बाद आपके बुक का एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? वो जरूरी है, वो आपने ईटा के लिए भी तैयार करना है। तो बेसिकली क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आकर बाय फिजिकल प्रोसेस का डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू
लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन यानी बेसिकली जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस बुनियाद पे होता है, वो डिफ्यूजन के बुनियाद पे। डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अब आप इसको प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले चूंकि टाइम कम है हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कोई मुश्किल है, आप बुक को पहले देखा करें, ठीक है ना, बुक को देखा करें, इसको पढ़ा करें, जो भी प्रॉब्लम हो ये खुद ब खुद क्लियर हो, यानी आप जब जाएंगे तो घर में ये चीज़ें क्लियर होगी। इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, चार साल मुसलसल ये शॉर्ट नोट में आया है, चार साल मुसलसल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी 2019 में नहीं आया, इससे पहले जो है रेस्पिरेटरी सर्फेस। तो चार साल ये टॉपिक, ये प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी, फाइव पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सर्फेस में कौन सी खासियत है या कौन सी खासियत होनी चाहिए, पहला जो है उसको हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। पहला जो वर्ड है वो है परमेबिलिटी। तो आपके बुक का ये सेंटेंस है, इट मस्ट बी परमिएबल, इट मस्ट बी परमिएबल, सो द गैसेस कैन पास थ्रू, इट मस्ट बी परमिएबल सो द गैसेस कैन पास थ्रू इट, गैसेस कैन पास थ्रू इट। अब परमिएबल के वर्ड्स का क्या मतलब है, पासिस थ्रू। अब परमिएबल मीन्स विच अलाउ द आयंस एंड मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, यानी मिसाल के तौर पे लंग्स में अल्वियोलाई है, तो गैसेस में जो है इनहेल करता हूँ, अब हमारे लंग्स का जो मेम्ब्रेन है यानी अल्वियोलाई मौजूद है, मिसाल के तौर पर ये अल्वियोलाई है, तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन जो लगा है इसके इर्द गिर्द यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, तो इस मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट मस्ट बी परमिएबल। परमिएबल मीन्स विच अलाउ द गैसेस आयंस टू पास थ्रू इट। अगर इसमें परमिबिलिटी नहीं है, मिसाल के तौर पर यह शीशा लगा हुआ है, तो इसमें हवा अंदर बाहर की तरफ जा सकता है कि नहीं, नहीं जा सकता, तो दिस इज कॉल्ड नॉन परमिएबल। तो मेम्ब्रेन के लिए जो जरूरी चीज़ है वो परमिएबिलिटी होनी चाहिए। अगर इसको आप हटा ले तो जाल वगैरह में तो हवा अंदर बाहर की तरफ आसानी से जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, परमिएबल। दूसरी पॉइंट जो है वो है थिन मेम्ब्रेन, थिन। अब आप देख ले ये मेम्ब्रेन जितना बारीक होगा एक्सचेंज आसानी के साथ होगी, अगर ये जो है इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो एक्सचेंज किस तरह होगी, मुश्किल से होगी। यानी ये जाल मैंने लगाया मिसाल के तौर पर, अगर ये जाल थिन है तो एक्सचेंज आसानी के साथ होगी, अगर ये इतना मोटा है तो एक्सचेंज किस तरह होगी, मुश्किल होगी। तो क्या लिखा है, थिन परमिएबल मेम्ब्रेन, द रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन, बिकॉज डिफ्यूजन इज ओनली एफिशिएंट ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 millimeter आर लेस देन 1 millimeter, यानी ये मेम्ब्रेन लेस देन 1 millimeter, यानी आप अब सोच ले कि कितना थिन होनी चाहिए, कितना बारीक होना चाहिए, तो ये आपको दिया है 1 millimeter आर लेस देन 1 millimeter। अब आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि 1 millimeter ये कितना होगा, तो मैं सिंपल आपको देता हूं, इट इज 15 times लेस थिन देन द टिश्यू पेपर। अब क्लियर हो गया, यानी 15 times टिश्यू पेपर कितना बारीक होता है, उससे लेस थिन होता है, आसान हो गया, क्लियर हो गया ना। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, ये चूंकि बुक में है, यानी इट मस्ट बी थिन फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन बिकॉज डिफ्यूजन इज ओनली एफिशिएंट ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 millimeter आर लेस। इसके बाद है लार्ज सरफेस एरिया, एक एग्जांपल देता हूँ इसको देख ले, अगर मैंने सिर्फ इस कमरे में ये छोटा सा रोशनदान जो है वो बनाया है तो एक्सचेंज कम होगी या ज़्यादा होगी, यानी सारी रोशनदान की जगह मैंने ये छोटा खोला रखा है तो एक्सचेंज आसानी के साथ होगी या कम होगी या ज़्यादा, अगर सारे कूल दिए तो फिर
तो इसका मतलब है कि अगर सरफेस एरिया लार्ज होगा तो एक्सचेंज ज़्यादा होगा, ज़्यादा गैसेस आसानी के साथ जो है वो एक्सचेंज होगी। तो इट मस्ट या द रिस्पिरेटरी सरफेस हैव ए लार्ज सरफेस एरिया विच फुलफिल द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी लार्ज होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, क्यों? टू फुलफिल द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ये ज़्यादा होना चाहिए ताकि ऑर्गेनिज्म की जो ऑक्सीजन नीड है या कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल है वो क्लियर हो जाए। अब जो लंग्स में 700 मिलियन अल्वियोलाई है, कितने हैं? 700 मिलियन अल्वियोलाई है और रेस्पिरेटरी सरफेस 70-90 मीटर, यानी इतना एरिया ये बना देता है, कितना बना देता है? 70-90 मीटर, ये देख ले 70-90 मीटर ज़्यादा होता है कि नहीं? तो अब जब इतना बड़ा रोशनदान लगा है तो एक्सचेंज आसानी के साथ होगी कि नहीं? क्लियर हो गया, कोई मसला है? इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है गुड ब्लड सप्लाई। इसके बाद जो पॉइंट्स है वो क्या है? गुड ब्लड सप्लाई,